नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत। बात सबसे पहले प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन के चुनावी तालमेल के विषय में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सहमति, बाकी विषय में आजू छलफल हो रहा। पोखरा महानगर पालिका के मेयर पद एकीकृत समाजवादी के दिव्य के सहमति के बाद नेपाली कांग्रेस काशी कार्यालय में तालाबंदी, संघर्ष के कार्यक्रम तय। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद राष्ट्र बैंक के गवर्नर अधिकारी नियमित काम में, केहू प्रति आग्रह पूर्वाग्रह ना रखे काम करे के कहना। मारीपुर में रहल यूक्रेनी सुरक्षा कर्मी के आत्मसमर्पण करे खातिर रूसी रक्षा मंत्रालय के फिर अल्टीमेटम, आज संध्या पौने 5 बजे तक के समय। और इंटर मिलान कोपा इटालिया के फाइनल में प्रवेश, इसी मिलान 3-0 गोलंतर से पराजित। पूरा समाचार। स्थानीय तह निर्वाचन के चुनावी तालमेल के विषय में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सहमति भइल बा। गठबंधन के बीच अभी तक 6 महानगर पालिका में सहमति भइल बा। काठमांडू महानगर पालिका के मेयर में कांग्रेस और उपमेयर में एकीकृत समाजवादी, ललितपुर महानगर पालिका के मेयर में कांग्रेस और उपमेयर में माओवादी, पोखरा महानगर पालिका के मेयर में एकीकृत समाजवादी और उपमेयर में नेपाली कांग्रेस, उहिलेखा भरतपुर महानगर पालिका के मेयर में माओवादी और उपमेयर में कांग्रेस, विराटनगर महानगर पालिका के मेयर में कांग्रेस और उपमेयर में समाजवादी, उहिलेखा बीरगंज महानगर पालिका के मेयर में जसपा और उपमेयर में कांग्रेस के दिव्य के सहमति भइल बाटे। 11 उप महानगर पालिका मध्य कुछ में सहमति भइल और कुछ में सहमति होके के बाकी रहल गठबंधन जनौले बाटे। गठबंधन के बैठक आज हो बैठे वाला बा। सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच पोखरा महानगर पालिका के मेयर पद एकीकृत समाजवादी के दिव्य के सहमति के बाद नेपाली कांग्रेस कास्की कार्यालय में तालाबंदी कैले बा। कांग्रेस के पोखरा महानगर समिति जिला कार्यालय में तालाबंदी कैल गेल हा। महानगर के सचिव टूबराज बास्तोला और गणेश बहादुर थापा समेत विज्ञप्ति जारी करत जिला कार्य समिति से पूछ के ही पोखरा के मेयर के कृत समाजवादी के देहल कहत अपना सबके आत्मसम्मान में चोट लागल बतावल गेल बा। सत्ता से ऊपर उठ के आम कार्यकर्ता के मनोभावना उच्च रखे खातिर महानगर जिला के पार्टी कार्यालय में तालाबंदी कैल थापा बतौले बानी। आवे वाला दिन में संघर्ष के कार्यक्रम में आम सहमति रहे के अपेक्षा करत ध्यानाकर्षण पत्र जिला कार्य समिति एवं गंडकी प्रदेश कार्य समिति के पेश कैल गेल विज्ञप्ति में उल्लेख बाटे। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी नियमित काम में लौटल बानी। आज राष्ट्र बैंक में पुनर्बहाली करत गवर्नर अधिकारी केहू प्रति आग्रह पूर्वाग्रह न राखत काम करे के भी बतौले बानी। पत्रकार सबसे संक्षिप्त बातचीत करत अधिकारी राष्ट्र बैंक के स्वायत्तता और देश के अर्थतंत्र के विषय में संवेदनशीलता देखावे वाला सब केहू प्रति आभार भी प्रकट कैले बानी। आपन निवेदन सर्वोच्च में विचाराधीन ही रहला से इस विषय में ज्यादा ना बोले के गवर्नर अधिकारी के कहना बाटे। सर्वोच्च अदालत अधिकारी के हटावे खातिर सरकार से कल गए निलंबन की कार्यवाही तत्काल कारण में ना करेला कालो अंतरिम आदेश देले रहे। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा आज घोषणा पत्र सार्वजनिक करे वाला बा। अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन स्थानीय तह निर्वाचन खातिर घोषणा पत्र सार्वजनिक करे के तैयारी कैल पार्टी के प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बतौले बानी। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच घोषणा पत्र सार्वजनिक करे के तैयारी भइल नेता श्रेष्ठ बतौनी हा। घोषणा पत्र मार्फत राप्रपा पार्टी के प्रतिबद्धता और योजना सब लियाबे के श्रेष्ठ बतौनी हा। इससे पहले नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी और राप्रपा नेपाल घोषणा पत्र सार्वजनिक कर चुकल बाटे।
कांग्रेस एमाले औरी माओवादी केन्द्र अभी घोषणा पत्र सार्वजनिक नहीं खे कैले। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस 3 दिन के नेपाल भ्रमण के सिलसिला में बीएफए के काठमांडू आबे वाला बानी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा के निमंत्रणा में उहां के नेपाल आबे वाला बानी हा। वैशाख 8 से 10 गति तक वहां के नेपाल के भ्रमण करे के परराष्ट्र मंत्रालय जनौले बा। परराष्ट्र के मुताबिक डब्ल्यूएचओ के महानिर्देशक गेब्रेयेसस के नेपाल भ्रमण टोली में डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देशक डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल सिंह और डब्ल्यूएचओ के अन्य पदाधिकारी सभी शामिल होकी हैं। नेपाल भ्रमण में रहल समय महानिर्देशक गेब्रेयेसस राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा के साथ शिष्टाचार भेंट घाट करे के कार्यक्रम बाटे। वही लिखा वहां के परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का और स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा से भी भेंट करके परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी दिले बा। कोशी समझौता कैल भारत सरकार सड़क निर्माण करे खातिर ध्यान ना देहल कहत सब तरीके से मावर्ती क्षेत्र के बासिंदा सब प्रदर्शन कैले बा। कोशी पश्चिमी नहर के किनार में निर्माण कैल गेल सड़क दिन पर दिन खराब होते गेल और धुआं धुरा के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहल कहत डाकनेश्वरी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 के बासिंदा सब आज सवेरे प्रदर्शन कैलक हा। वार्ड अध्यक्ष उमेश यादव की अगुवाई में उस सप्ले कार्ड सहित नाराबाजी के साथ प्रदर्शन में उतरल हा। कालू रात भेल बरखा के कारण पाकी भेल सड़क में उस प्रदर्शन करत कोशी समझौता खारिज की मांग कैले बा। स्थानीय सड़क मरम्मत की मांग करत प्रदर्शन करत समय उहमा पुगल प्रदेश सांसद मिंदेश्वर यादव बिकी ए बारे में नेपाल तथा भारतीय अधिकारी से बातचीत करके बतौला बाद उ सब आंदोलन रोकले बा। वार्ड अध्यक्ष यादव जल्दी सड़क मरम्मत करे खातिर ध्यान ना दिहल जाई तब फेरु चरणबद्ध आंदोलन में उतरे के चेतावनी भी देले बानी हा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज नेप्से कारोबार अवधि में फ्लोर शीट देखे के सुविधा आज से बंद कैले बा। नेप्से द्वारा धितोपत्र बोर्ड के निर्देशन पश्चात आज से कारोबार समय में फ्लोर शीट देखे ना मिले के बनौले बा। कारोबार समय में फ्लोर शीट मार्फत कारोबार में संलग्न धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा धितोपत्र व्यापारी के क्रम संख्या खुले वाला विवरण प्रवाह होखत रहे। अब लगानी करता सब कारोबार चलत समय में कौन ब्रोकर से कौन शेयर कितना मात्रा में किन बीच भइल कहे वाला विवरण देखे के ना मिली हा। इससे बाजार में अनाधिकृत शेयर किन बीच में चल खेल भी रुके के विश्वास कल गेल बा। बोर्ड द्वारा बाजार संचालन नियमावली 2064 के नियम 27 के उपनियम 4 के प्रतिकूल ना होके किसिम से ओ विवरण कारोबार समय पश्चात प्रवाह करे की व्यवस्था करेला नेप्से के निर्देशन देले रहे जे मुताबिक बाजार बंद भेला बाद ही फ्लोर सीट विवरण देखे मिले के नेप्से जनौले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा घेराबंदी में रहल शहर मारिपोल में रहल यूक्रेनी सुरक्षाकर्मी के आत्मसमर्पण करे खातिर फेरु अल्टीमेटम दिले बाटे। नेपाली समय मुताबिक सजिया के 4:45 बजे तक यूक्रेनी सुरक्षाकर्मी के आत्मसमर्पण खातिर रूस से समय दिहल गेल समाचार संस्था रॉयटर्स जानकारी दिले बा। रूसी रक्षा मंत्रालय यूक्रेनी राष्ट्रवादी लड़ाकू और विदेशी लड़ाकू के बुध के संजिया तक हथियार सहित आत्मसमर्पण करे खातिर अल्टीमेटम दिहल गेल हा। इससे पहले मंगर के भी रूस ऐसने प्रस्ताव कैले रहे कोनो भी यूक्रेनी सैनिक या सुरक्षाकर्मी हथियार छोड़ के आत्मसमर्पण ना कैल रूसी रक्षा मंत्रालय से जारी कैल वक्तव्य में उल्लेख बाटे। रूस के साथ मिलल लड़ाकू सब मारियोपोल के एजोवस्ताल स्टीलवर्क में रहल यूक्रेनी सैनिक और सर्वसाधारण के ऊपर आक्रमण के प्रयास कर रहल बतावल जा रहल बा। वहां यूक्रेनी सुरक्षाकर्मी और स्थानीय बासिंदा सब रूसी सैनिक और रूस के समर्थन मिलल लड़ाकू के रोके खातिर सफल भइल
दावी कैले बा। ये बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की मारीपोल की अवस्था बहुत ही गंभीर और कठिन रहल कह दसों हजार स्थानीय बासिंदा के भविष्य अंधकार में पड़ल बतौले बानी। रूसी आक्रमण में शुरुआत से प्रमुख निशाना में रहल मारियोपोल शहर रूस से कैल गेल गोलाबारी के चलते अधिकांश रूप में ध्वस्त हो चुकल बाटे। आप खेल कुछ समाचार इंटर मिलान कोपा इटालिया के फाइनल में प्रवेश कैले बा। आज सवेरे उराइल खेल में एसी मिलान के 3-0 गोल अंतर से हरौले रहे। पहिलका लीग गोल रहित बराबरी में उराइल रहे। इंटर मिलान के जीत दिलावे खातिर लाउटारो मार्टिनेज 2 गोल कैलन त रोबिन गोसेंस 1 गोल थपले रहलन। चौथा मिनट में मार्टिनेज गोल करत अग्रता दिलौले रहनी। 40वां मिनट में मार्टिनेज के ही गोल से अग्रता दुब्बर भइल रहे। 82 मिनट में गोसेंस गोल के बाद इंटर मिलान 3-0 गोल के साथ फाइनल में स्थान बनौले रहे। इंटर मिलान अब उपाधि खातिर फियोरेंटिना और युवेंटस बीच के विजेता के साथ खेली हा। युवेंटस पहिलका लीग में 1-0 गोल अंतर से आगे बाटे। दोसर लीग आज रात के होखी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। स्थानीय निर्वाचन के चुनावी तालमेल के विषय में सत्तारूढ़ गठबंधन के बीच सहमति, बाकी विषय में आज छलफल हो रहल। पोखरा महानगरपालिका के मेयर पद एकीकृत समाजवादी के देवी के सहमति के बाद नेपाली कांग्रेस कास्की कार्यालय में तालाबंदी, संघर्ष के कार्यक्रम साथ तय। सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद राष्ट्र बैंक के गवर्नर अधिकारी नियमित काम में, केहू प्रति आग्रह पूर्वाग्रह न रखत काम करे के कहना। मारियोपोल में रहल यूक्रेनी सुरक्षा कर्मी के आत्मसमर्पण करे खातिर रूसी रक्षा मंत्रालय के फिर अल्टीमेटम, आज संध्या 4:45 तक के ही समय। और इंटर मिलान कोपा इटालिया के फाइनल में प्रवेश, एसी मिलान 3-0 गोल अंतर से हारल। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। नमस्कार।